भी व्यक्ति के लिए प्रतिष्ठित उतरी हुई है। शायद कुछ ऐसे ही विज्ञापनदाता कंसल्टेंट्स विदेशों में निम्न स्तर के विश्वविद्यालयों के लिए भारतीय छात्रों के रिक्रूटमेंट के लिए बिचौलिए का काम करते हैं तो कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि भारतीय छात्र विदेशी विश्वविद्यालयों के लिए एक मोटी कमाई का जरिया है। विगत वर्षों में यूके में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों की संख्या तादाद में बढ़ी है, जिसका मुख्य कारण यूके की डिग्री की वैल्यू और साथ ही यूके में सेटल होने का सपना या फिर यूके में जॉब मिलने के आसार। यूके में भारतीय छात्र को 10 से 15 लाख रुपए के बीच एक साल में रहने और पढ़ाई पर खर्च करना पड़ता है। यह खर्चा विश्वविद्यालय के स्तर पर निर्भर करता है, क्योंकि नए या निम्न स्तर के विश्वविद्यालय कम फीस चार्ज करते हैं, जबकि प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय ज्यादा फीस चार्ज करते हैं। यूके में उच्च शिक्षा की वास्तविकता जानने के लिए यह जरूरी था कि यूके के विभिन्न विश्वविद्यालय में पढ़ रहे भारतीय छात्रों के विचार एकत्रित किए जाएं। इसके लिए मैंने सवालों की एक श्रृंखला तैयार की और सन 2000 और 2003 के बीच यूके के अधिकांश विश्वविद्यालयों के इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑफिस को ईमेल के जरिए संपर्क स्थापित किया और निवेदन किया कि मेरे ईमेल को भारतीय छात्रों को फॉरवर्ड कर दीजिए, जिससे भारतीय छात्र मेरे सवालों का जवाब दे सके। मगर इस संदर्भ में मुझे विश्वविद्यालयों से कोई सहयोग प्राप्त नहीं हुआ। मेरी उत्कंठा जारी रही और विभिन्न विश्वविद्यालयों में खुद ही कैमरा ले जाकर भारतीय छात्रों के विभिन्न तरह के विचार कैमरे में कैद किए। मेरा पहला सवाल भारतीय छात्रों से था कि आपको एडमिशन कैसे मिला और आपने यूके को ही क्यों चुना। इंडिया में एमबीए करने का सोचा था, बट उसके लिए पहले पूरा एक साल कोचिंग्स वगैरह ज्वाइन करनी थी, उसके बाद एंट्रेंस एग्जाम्स देने थे, और तब भी कुछ पक्का नहीं था कि एडमिशन होती या नहीं होती। यहाँ पे काफ़ी इजीली एडमिशन मिल गया और मास्टर्स भी सिर्फ एक साल का था, प्लस एक बोनस था कि फॉरेन एजुकेशन हो जाएगा। एक्चुअली इंडिया में फॉरेन डिग्री का क्रेज काफ़ी ज़्यादा है और लोग ये समझते हैं कि फॉरेन डिग्री एक बार हासिल कर लेने के बाद इंडिया में जॉब आसानी से मिल जाएगी। मेरे पास दो चीज़ें हैं, एक तो इंटरनेशनल डिग्री होगी जो यूके की होगी और एक एक्सपोजर, इंटरनेशनल एक्सपोजर। ये मेरा शुरू से ही प्लान था कि इंडिया से बाहर जाके कहीं पढ़ूंगा, पर अच्छा होता अगर यूएस जाता, वहाँ पे 16 इयर्स ऑफ कंप्लीट एजुकेशन चाहिए अगर आपको मास्टर्स में एडमिशन लेना है तो, इस करके मेरे को यूके आना पड़ा। मेरे पास कोई बहुत अच्छे रीजंस तो नहीं है, लेकिन जो रीजंस हैं मैं बताता हूँ। पहला तो ये कि मेरे पास कोई जॉब नहीं थी, और दूसरा ये कि मैं इंडिया से बाहर आना चाहता था। आई गॉट एडमिशन विद फुल फी वेवर एंड स्कॉलरशिप, गुड स्कॉलरशिप ओवर हियर, दैट्स व्हाई आई चोज दिस। इफ यू डू इट फ्रॉम इंडियन बिजनेस स्कूल और इंडियन की कोई भी स्कूल में से कर लो, तो आपका जो मार्केट होगा, दैट मार्केट इज मेनली लोकलाइज्ड टुवर्ड्स इंडियन मार्केट, और एट द मैक्स तुम्हारा एशिया पैसिफिक में यू विल बी कॉन्सेंट्रेटिंग, वेरस द इंडियन डिग्री इज नॉट दैट रिकग्नाइज्ड आउटसाइड, दैट इज यूरोप और यूएस में तो दे डोंट हैव दैट मच काइंड ऑफ रिकग्निशन। जब मैंने अपना मास्टर्स करना चाहता था इंडिया में ही, तब मैंने कंप्यूटर्स में करने का सोचा, तो कंप्यूटर्स में कोई इतना अच्छा कोर्स इंडिया में नहीं था जो एक साल में वो कंप्लीट करा था। जो इंडिया में जितने भी कंप्यूटर्स में अच्छे कोर्स हैं वो है MCA वाला, जिन जो है 3 साल के। मैं इंडिया पे, मेरा फर्स्ट डिग्री था फार्मेसी, मैं कंप्यूटिंग के लिए ऑप्ट कर रही थी, तो वहाँ पे मुझे कोर्स नहीं मिल रहा था मास्टर्स करने के लिए, तो इसीलिए मैं बाहर मास्टर्स इन कंप्यूटिंग करने के लिए सोची थी, मगर मुझे US या ऑस्ट्रेलिया में एडमिशन नहीं मिला था। बाद में पता चला कि UK में ऑफर कर रहे हैं नॉन कंप्यूटिंग स्टूडेंट्स के लिए भी कंप्यूटिंग कोर्सेज। I thought I would do my master's in English from UK because as English is, it's the home country of English. Basically, India में इंजीनियरिंग के बाद MBAs या मास्टर्स इन इंजीनियरिंग कोर्स के लिए कोर्सेज अवेलेबल थे। मुझे यहाँ पे ये कोर्स दोनों का कॉम्बिनेशन मिला। As such, मुझे इंजीनियरिंग के कुछ मॉड्यूल्स थे और मैनेजमेंट के भी कुछ मॉड्यूल्स थे। One main reason is to convert my bachelor's of commerce into a computing degree. मेरे को इधर एडमिशन आसानी से मिल गया था। No problems in getting admissions out here. It was relatively easy. एडमिशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। एडमिशन का किसी को तो प्रॉब्लम नहीं होता यूके यूनिवर्सिटीज में मिलने में, किसी को 60% 50% सब स्टूडेंट्स को मिलता है। एडमिशन मेरे को मिली एक कंसल्टेंसी है दिल्ली में, चोपड़ा कंसल्टेंट्स, उनके थ्रू, बट उन लोगों ने अच्छा काम किया, एडमिशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नो प्रॉब्लम बेसिकली, आई हैव गिवन माय GRE बट दैट इज नॉट कंसीडर्ड हियर, सो दैट्स नो प्रॉब्लम। नो, इट वाज क्वाइट कंफर्टेबल एक्चुअली, आई डिडंट एक्सपेक्ट दैट आई विल गेट एडमिशन हियर। आई गॉट द एडमिशन फ्रॉम
Ranaut Associates, that was Mr. Ranaut, that was my consultant. And it wasn't a major problem getting the admission in this university. निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि यूके में विश्वविद्यालय स्तर पर एडमिशन पाना बहुत आसान है, जबकि इंडिया में बहुत कठिन, क्योंकि इंडिया में शिक्षा अनुदान है जो कि वरीयता और योग्यता के आधार पर मिलती है, और यूके में व्यवसाय। यहां तक कि सन 2000 में एक भारतीय छात्रा को एक ऐसे कोर्स में भी एडमिशन दे दिया जो कि विश्वविद्यालय के पास नहीं था। यहाँ पे मैंने मास्टर्स इन बिजनेस स्टडीज विद ऑनर्स इन इंटरनेशनल बिजनेस में एडमिशन लिया था। लेकिन फिर आपने कोर्स छोड़ क्यों दिया? जब मैं यहाँ पहुँची तो पता चला कि उसमें कोई ऑनर्स था ही नहीं, वो सिर्फ एक नॉर्मल मास्टर्स था, इट वाज जस्ट एन एमबीएस, और उसमें कोई ऑनर्स था नहीं। मतलब यूनिवर्सिटी में ये यूनिवर्सिटी होते हुए भी यूनिवर्सिटी ने उस कोर्स में आपको एडमिशन दे दिया? हाँ, यूनिवर्सिटी का कोर्स तब तक अप्रूव नहीं हुआ था, लेकिन जब हम लोग इंडिया में थे हमें वो कोर्स दे दिया। यहाँ आने के बाद एक महीना क्लासेस भी अटेंड की, तब तक कुछ पता नहीं चला, और एक महीने के बाद पता चला कि उसमें कोई ऑनर्स था ही नहीं, वो सिर्फ एक जनरल कोर्स था। फिर जब आपने विश्वविद्यालय में इस विषय में बात की तो विश्वविद्यालय ने क्या जवाब दिया? उन्होंने बोला वो कुछ कर ही नहीं सकते इस बारे में। हमने बोला ठीक है एमबीए दे दीजिए, लेकिन उन्होंने बोला उसके लिए आप एलिजिबल नहीं हो, तो या तो आप कोर्स चेंज कर लीजिए या यूनिवर्सिटी चेंज कर लीजिए। ये शुरू में जो आपको एडमिशन मिला वो किसी एजेंट के थ्रू मिला? हाँ, चोपड़ा कंसल्टेंट्स हैं दिल्ली में, उनके थ्रू था। उन्होंने आपको कोई इस बारे में पूर्ण जानकारी नहीं दी कि ये कोर्स है वहाँ पे अवेलेबल या नहीं है, या जब अवेलेबल होगा तो किस समय अवेलेबल होगा? नहीं, वहाँ ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि वहाँ जो यूनिवर्सिटी के ब्रोशर्स भी थे उनके ऊपर भी कोर्स का यही नाम था, एमबीएस विद ऑनर्स इन इंटरनेशनल बिजनेस, और यूनिवर्सिटी से एक रिप्रेजेंटेटिव भी वहाँ आए थे, उन्होंने भी यही कोर्स बताया था। जबकि जब आप यहाँ पे आए तो उस तरीके का कोई भी कोर्स आपको देखने को नहीं आता? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। इसका मतलब यूनिवर्सिटी ने आपको एक तरीके से गलत इन्फॉर्मेशन, गलत ब्राउचर, हाँ, और एजेंट के भी थ्रू मतलब कोई पूर्ण जानकारी नहीं मिली। मेरा अगला सवाल था कि भारतीय और यूके की शिक्षा में कौन सी शिक्षा को अच्छा समझते हैं? बहुत ही मिले जुले जवाब प्राप्त हुए। स्टैंडर्ड इज टू हाई इन इंडिया। इफ आई वांट टू टेल द सीक्रेट व्हाई आई केम हियर, द थिंग इज I know that it's not possible to get any admission in Anna University or IIT. So I thought this chance is coming, better use it. Comparing to the standards of Indian teaching standards are concerned, teaching standards are very much above our standards, like normal, what you feel like. When you go to classroom questions, what you feel in India, they feel straight away to you. And right here, it's like you have to kick your right from your face and you have to do all your things, and even the lecturers, they are cool, but they're not going to support as you usually get in India. In India, normally we used to have a feedback or something like that, or they used to teach in the classes or like having exercises or something like that. But here, everything you have to do and everything you have to start yourself. पहला point है teaching purpose के लिए और दूसरा research oriented portion है। तो अगर हम teaching portion देखें, वो portion India में बहुत ही ज़्यादा strong है। और अगर हम कंपेयर करें रिसर्च पोर्शन को, तो रिसर्च बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कोर्सेज बेसिकली रिसर्च ओरिएंटेड है। मोस्ट ऑफ द इंडियन एजुकेशन गोस बेस्ड ऑन थियरी, व्हेयरएज ओवर हियर इट्स एंटायरली प्रैक्टिकल। इंडियन एजुकेशन सिस्टम में बेसिकली वहाँ पे स्पून फीडिंग होता है, हमें सब क्वेश्चन के आंसर्स वगैरह बोला जाता है, ये इसके सवालों का जवाब किस किताब में किस पन्ने पर रहेगा ये हमें बताया जाता है। हालांकि यहाँ पे कंटिन्यूस परफॉर्मेंस मेजरमेंट होता है, बेसिकली तुम्हें फ्रॉम डे वन तुम्हें असाइनमेंट्स मिलती है, कंटिन्यूस मेजरमेंट पर ये रहता है। और मास्टर्स यहाँ पे सेल्फ स्टडी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इंडियन एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन पैटर्न आपने देखे तो इंडिया में स्टैंडर्ड्स इससे भी बहुत ज़्यादा है कम्पेयर टू इंग्लैंड। तो पढ़ाई का जो तरीका होता है यहाँ पे तो पूरा डिफरेंट है, हमको सब काम खुद करना पड़ता है यहाँ पे, लेकिन इंडिया में तो सारे हमको पढ़ा देते हैं और हमारा काम बहुत कम होता है वैसा कहे तो। लेकिन इधर तो बहुत इट्स अ वेरी हाईली सेल्फ स्टडीइंग कोर्सेस, लेकिन रिसर्च के लिए इधर का जगह बहुत अच्छा है, क्योंकि वेरी गुड फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे रिसर्च के लिए, वेरी कॉस्टली इंस्ट्रूमेंट्स विच आर नॉट that easily available in India. In India, you are told what to do and what not to do. It's mainly for passing the exams. Sometimes I feel that it's just passing the exams what we do in India. But here it's more knowledge
to try to gain more knowledge in UK. Lack of facilities and actually coordination between industry and the universities. That's a big problem back home. Indian education is very good. The primary education and the secondary education and the college education which I did there have really good basics because of that. I agree with, like, in India we have to work much more harder, but there's a difference at a certain level when you get education, right? The concept which I find in India mostly, I don't know, it's changing, might be changing, but is that finish your education at one go and then get into job. Whereas here, what I find is it's kind of continuous education. हम लोगों को companies का कोई exposure नहीं दिया जाता है. हम लोगों को किसी companies में कोई हमारे life projects नहीं होते हैं. जबकि अगर हम India में या कहीं और US में जहाँ तक मुझे मालूम है, हम लोग करते हैं तो वहाँ पर हम लोगों को companies में लेकर जाया जाता है. हम लोगों को वहाँ का infrastructure दिखाया जाता है कि कैसे यहाँ पर लोग काम कर रहे हैं, कैसा management structure है. पर यहाँ पर एक साल में कोर्स कब शुरू हुआ और कब खत्म हुआ कुछ पता ही नहीं चला. यहाँ मैनेजमेंट और रिसर्च का ज़्यादा रहते हैं जो हमारा इंडिया पे सिर्फ एग्जाम्स का रहते हैं. इंडियन एजुकेशन सिस्टम यहाँ पे ज़्यादा प्रोफेशनल अप्रोच है यूके एजुकेशन सिस्टम में. वही फर्स्ट टू इनिशियल सेमेस्टर मुझे यूनिवर्सिटी या कैंपस बेस्ड लेक्चर्स हुआ करते थे. थर्ड सेमेस्टर मुझे इंडस्ट्री बेस्ड लाइव प्रोजेक्ट पे काम करने का मौका मिला. उसमें मुझे एक्चुअल इंडस्ट्री में मेरा थ्योरी कैसे अप्लाई करनी है, उसका रिजल्ट्स क्या रहेंगे, क्या क्या दिक्कत होती है, ये सब मुझे सीखने को मिला. एज कम्पेयर टू इंडियन एजुकेशन सिस्टम वहाँ पे इतना प्रोफेशनल या इंडस्ट्रियल अप्रोच नहीं है. बेसिक डिफरेंस तो बहुत है. यहाँ पे तो मैं इंस्टीट्यूशन में नहीं हूँ, आई मीन यूनिवर्सिटी. वहाँ पे तो मैंने एक छोटे से इंस्टीट्यूशन में किया था. यूके सिस्टम में सबसे बड़ी बात है कि आप जो है सो इंटरनेट फैसिलिटी जो आजकल सबसे ज़्यादा कॉमन है आप ले सकते हैं, या लाइब्रेरी में बुक्स आप काफ़ी ज़्यादा है. इंडिया में आपको ये फैसिलिटी बहुत कम और बहुत कम इंस्टीट्यूशन में आपको मिलेगी. ये ड्रॉबैक्स है. बाकी जो एजुकेशन की क्वालिटी है वो इंडिया में काफ़ी अच्छी है और इंडियन लड़के पूरे वर्ल्ड में काफ़ी अच्छे कर रहे हैं. मैं इंडिया में बिलो एवरेज था, यहाँ पर काफ़ी अच्छा कर रहा हूँ. इंडियन स्टूडेंट्स में एक खासियत रही है कि वो लॉजिकली बहुत अच्छे हैं. हालांकि यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनमें मैथमेटिकल सेंस उतना नहीं है जितना इंडिया में है. इन इंडिया पेपर टाइम कंस्ट्रेंट टेस्ट व्हिच इज मोर लाइक यू मेमोराइज योर वर्क एंड यू गो एंड रिप्रोड्यूस इट इन द पेपर. The advantage of it is like you are good in grasping things and good in learning, but the disadvantage is you just depend on one book, which is not really good because in real life you do require a lot of research skills. In UK a lot of work in masters depends on assignments, and assignments develops our research skills within you and research culture within you, which is good. But again, the disadvantage is like you can always just take down somebody else's assignment who has done before, so which is like not good. It doesn't serve the purpose. हर सिस्टम का अपना ड्रॉबैक होता है. जैसे यहाँ पे आपने असाइनमेंट बनाया और सबमिट कर दिया, लोग असाइनमेंट में क्या करते हैं, वहाँ से उठाया आर्टिकल से सामान उठाया असाइनमेंट में डाला, उसको रेफरेंस नहीं किया और अपना बना के दे दिया, या किसी और का असाइनमेंट में से उठाया वहाँ पे लगाया और दे दिया. तो इंडिया में भी आप जो 3 घंटे का एग्जाम है, जो आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पर आप रिसर्च करते हैं और आपका इनपुट ज़्यादा है, तो इंडिया में जो एजुकेशन सिस्टम है 3 घंटे वाली, उसमें भी आप इस तरह का इनपुट डालोगे तो आपको आउटपुट वैसे ही मिलना है. वहाँ पे आप इनपुट डालते नहीं, तो सेम प्रॉब्लम आपको यहाँ भी आ सकती है. नहीं, यहाँ पे नहीं आ सकती, क्योंकि आपने असाइनमेंट जो बनाना है उसमें रिसर्च करोगे ही करोगे. अभी आप जैसे बोले असाइनमेंट में ये हो सकता है कि किसी दूसरे आदमी से असाइनमेंट बनवा लो, या एक रात बैठ के आप नेट पर से मटेरियल लेके वो आपके ऊपर. तो इंडिया में भी वही हाल है कि वो आपके ऊपर है कि आप कितना इनपुट डाल रहे हो. बट यहाँ पे मेरी इनपुट ज्यादा आ रही है, क्यों वो मैं नहीं जानता. इंडियन एजुकेशन हालांकि बहुत अच्छा है, ऑफ कोर्स इम्प्रूवमेंट्स हर एक चीज में हो सकती है, कोई चीज 100% परफेक्ट नहीं होती है. लेकिन आप मेरे को अगर ये पूछ रहे हो कि यहाँ की एजुकेशन का कंपेरिजन में इंडियन एजुकेशन कैसे इम्प्रूव किया जाए, तो मैं ये समझता हूँ कि इंडिया में एजुकेशन की जो सिस्टम है वो बहुत अच्छी है. आदमी अगर चाहे तो वहाँ पर भी एक्सेल कर सकता है, यहाँ पर उसको आने की कोई ज़रूरत नहीं है. हालांकि मैंने जो पहले कहा था कि इंटरनेशनल एक्सपोजर आजकल के दिनों में बहुत ज़रूरी है, तो वो लेने के लिए आदमी ज़रूर बाहर आ सकता है.
लेकिन इंडियन एजुकेशन अच्छा नहीं है इस पॉइंट को लेकर अगर आदमी बाहर आना चाहे तो मेरे को लगता है कि वो सही बात नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे वर्ल्ड फेमस इंस्टीट्यूट्स है कुछ कुछ, जैसे IIT है, IIM है, जो कि यहाँ के इंस्टीट्यूट्स के खिलाफ कंपैरिजन में बहुत बढ़िया है, और वहाँ के जो लड़के हैं वो यहाँ के कंपैरिजन में बहुत अच्छे हैं इनका, यानी यहाँ का सिस्टम और वहाँ का सिस्टम, जो IIT में जो लोग पढ़ रहे हैं या IIM में लोग पढ़ रहे हैं उनका कोई कंपैरिजन ही नहीं हो सकता है, वो हालांकि बहुत आउट यहाँ से बहुत ऊपर है। अच्छे और बुरे की बात तो नहीं है, दोनों अपनी जगह अच्छे हैं और दोनों में अलग अलग मान अच्छी अच्छी बातें हैं और खराब भी हैं। इंडियन एजुकेशन इसलिए अच्छी है क्योंकि बहुत टफ होती है और बहुत पहले से हम टफ पढ़ाई करते हैं तो एकदम अच्छे हो जाते हैं, तो यहाँ पे आते हैं तो यहाँ की पढ़ाई जो प्रैक्टिकल होती है उसमें हम अच्छा कर सकते हैं। इंडिया में पास होना ज्यादा आसान है या यहाँ पे पास होना ज्यादा? यहाँ पास होना ज्यादा आसान। निश्चित तौर पर यह कहना गलत होगा कि इंडिया की एजुकेशन यूके की तुलना में गिरी हुई है। अधिकांश भारतीय छात्र जब यूके में एजुकेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो यूनिवर्सिटी पुस्तिकाओं में लिखा होता है, जो कि अधिकांश कंसल्टेंट्स विज्ञापन के समय लिखते हैं, कि पढ़ाई के साथ साथ 20 घंटे प्रति सप्ताह वर्क भी कर सकते हैं। जब मैंने अगला सवाल भारतीय छात्रों से पूछा कि क्या आप 20 घंटे प्रति सप्ताह काम करते हैं, यदि हाँ तो किस तरह का काम आपको मिलता है, और क्या इस तरह 20 घंटे प्रति सप्ताह काम करने से आपकी पढ़ाई पर असर पड़ता है? पार्ट टाइम जॉब मिला तो भी कौन से जॉब्स मिलते हैं यहाँ पे? कई क्लीनिंग के मिलते हैं या रेस्टोरेंट्स में या पब्स में मिलते हैं, जो जॉब्स हमें यहाँ पे करने नहीं है, और उसका पे भी मिनिमम वेजेस रहता है, तो इसलिए यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब्स का सीन कोई अच्छा नहीं है। Usually you don't get work related to what you're studying. It's totally different. You get it in Burger King and Pizza Hut or a security. हाँ, मेरे को दो पार्ट टाइम जॉब मिला था, जिसमें एक एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट करके और एक आसडा एक सुपर स्टोर में सुपरविजन का, लेकिन किसी में हमारा जो पिछले एजुकेशन का है रिलेवेंस नहीं है, फिर भी वी आर डूइंग इट। 20 आवर्स फॉर जॉब, पीपल डू जॉब, बट व्हेन यू आर इन अ कोर्स लाइक व्हिच आई एम इन राइट नाउ, आई एम डूइंग MBA फ्रॉम मैनचेस्टर बिजनेस स्कूल, सो व्हाट हैपेंस इज बेसिकली यू डोंट फाइंड टाइम, यू हैव 36 आवर्स ऑफ लेक्चर्स पर वीक, 30 आवर्स ऑफ लेक्चर्स, एंड देन यू हैव टीम वर्क टू डू, एंड it's pretty difficult to get a job, at least from the first 6 months, first 9 months. So it depends on your course. People do, I know people in my hall where I'm staying right now, they're doing part-time jobs. मैं part-time job cleaning का करता हूँ। मैंने 8.5 महीने तक एक part-time job किया है, यहाँ की Boots नाम की जो कंपनी है उसमें मैं cleaning का job किया करता था। एक normal student के लिए बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, और उसकी पढ़ाई sure effect होगी अगर वो part time job करता है। हम लोग जब apply करते हैं तो हमारे को जितनी, जैसे कि मैंने करीब 7-8 universities में apply किया था और सारी की सारी अम्बा accredited थी and they were all top ranking universities, but the problem is कि जब हम लोग उनके prospectus पढ़ते हैं, prospectus में हम लोगों को बताया जाता है कि हम लोग 20 घंटे प्रति सप्ताह काम कर सकते हैं, पर यहाँ पर, और तब मेरे को लगा इंडिया में कि ठीक है, जब हम लोग 20 घंटे काम कर सकते हैं तो मैं इतना तो वीकली काम करके अपने लिविंग एक्सपेंसेस निकाल ही लूंगी, पर यहाँ आने के बाद पता चला कि एक साल में MBA का कोर्स करना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है, पार्ट टाइम जॉब ढूंढना और पार्ट टाइम जॉब्स करना तो बहुत ही मुश्किल है। हाँ, कुछ स्टूडेंट्स ने किया तो सही, पर फिर वो उनके रिजल्ट्स पर ज़रूर इफेक्ट करता है, क्योंकि अगर रिजल्ट्स अच्छे लाने हैं हम लोगों को तो पार्ट टाइम जॉब्स करना, स्पेशली इन MBA कोर्स, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। पार्ट टाइम जॉब के लिए ढूंढ रहा था, बहुत दिनों तक नहीं मिला आने के बाद, और यहाँ पर आप और जॉब भी बहुत मुश्किल से मिलती है। पार्ट टाइम यहाँ पे इनिशियली आते ही मिलने का बहुत चांसेस कम है, तो तुमको ढूंढना पड़ेगा, राइट प्लेसेस में जाना पड़ेगा। पार्ट टाइम जॉब यहाँ पे मिलते हैं बाय लक बाय फॉर्च्यून, तो भी यहाँ पर जो स्टूडेंट्स है उनका मेन क्या होता है कि यहाँ पर वो सीखने आते हैं, अपने एजुकेशन के रिलेटेड अगर उनको कोई जॉब मिले तो उनको सीखने को भी ज़्यादा मिलेगा और उनका जो टाइम है वो वेस्ट नहीं होगा। हालांकि यहाँ पर जो पार्ट टाइम जॉब्स होते हैं वो ऑड किस्म के जॉब्स होते हैं, जिसमें कि आपको क्लीनिंग का जॉब मिलता है, कहीं पैकेजिंग का जॉब मिलता है, और वो मेरे ख्याल से टोटल वेस्ट ऑफ टाइम है। छात्रों के जवाबों से मैं असमंजस में पड़ गया हूँ, मगर क्यों समझ में नहीं आ रहा। मैं भी मानता हूँ कि कोई भी जॉब छोटा या बड़ा नहीं होता, मगर क्या यही भारतीय छात्र जो काम UK में कर रहे हैं इंडिया में करना पसंद करेंगे? शायद नहीं। निश्चित तौर पर UK में हमारी मानसिकता के खिलाफ इसे मजबूरी ही कहा जाएगा। हमें भी कुछ सीखना चाहिए,
इंडिया में पढ़ाई के साथ ज्यादातर छात्र कोई भी काम नहीं करते हैं। हाँ, कुछ करते हैं पढ़ाने का, यानी कि ट्यूशन करने का। शायद हमें यूके में भारतीय छात्रों की मानसिकता को इंडिया में विकसित करना चाहिए, ताकि पढ़ाई के साथ किसी भी तरह का काम करके कमाना भी सीख सकें। साथ ही विश्वविद्यालयों और कंसल्टेंट्स, जो कि भारतीय छात्रों को यूके में विश्वविद्यालयों के लिए रिक्रूट कर रहे हैं, साफ साफ अपने विज्ञापनों और विश्वविद्यालय पुस्तकों में लिखना चाहिए कि किस तरह के पार्ट टाइम काम मिलने की संभावना है। अगर ये कहा जाए कि 20 घंटे प्रति सप्ताह काम का प्रलोभन देकर ज्यादा से ज्यादा भारतीय छात्रों को प्रवेश के लिए आकर्षित करना है, तो गलत नहीं होगा। सवालों की श्रृंखला को आगे जारी रखते हुए मेरा अगला सवाल भारतीय छात्रों से रंगभेद या रेसिज्म के संदर्भ में था। मैंने पूछा कि क्या कभी आपको रेसिज्म महसूस हुआ, या कभी आपके साथ कोई ऐसी घटना हुई है? I've never faced any hostile approach from anybody because I'm from Asian origin, but it's not very friendly. मेरे को कोई ज्यादा कंफर्टेबल नहीं लग रहा है अंग्रेजों के बीच में रहते हुए, क्योंकि कहीं भी बाहर जाओ तो ये एक जनरल फीलिंग आती है कि ये हमें लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे। Sometimes we do have racist problems sometimes as the people out here, basically the young ones, the kids, they always like see us, call us Pakis. फ्रेंड को बस स्टैंड छोड़ के आ रहा था, कार में से लड़के मेरे को अंडे मारे, क्यों मारे, किस लिए मारे, समझ में नहीं आया मेरे को। Here we find like it's like we're completely insecure here when people come and throw stones at you or like abusing you, like which you don't know anything about that. यहाँ पे कुछ शुरुआत में और अभी भी हमें कुछ रेसिज्म का प्रॉब्लम हुआ है। बेसिकली वो जो प्रॉब्लम है बेसिकली अनएजुकेटेड या कुछ एक पर्टिकुलर लोगों से, एक क्लास के लोगों से है। वो पर्टिकुलर एरिया में जाओ वहाँ पे प्रॉब्लम है। मैं उसको रेसिज्म नहीं करूँगा, बहुत डिप्लोमेटिक आउट से द प्रॉब्लम ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी यहाँ पे जब डेफिनेटली है, पीपल आर लेस इंक्लाइंड टू एक्सेप्ट यू। रेसिज्म आप कह सकते हैं कि रास्ता चलते कुछ लोग आपको कुछ टूंट कस कर या फिर कुछ गालियाँ देकर निकल जाते हैं। ये छोटी मोटी चीज़ें मेरे साथ हुई हैं, लेकिन ऐसे जनरली कुछ लोग हेल्पफुल हैं। ये सभी जगह होता है, कुछ अच्छे कुछ बुरे। यहाँ रेसिज्म का प्रॉब्लम है लेकिन ये तो इतना बड़ी रेसिज्म नहीं है, छोटी सी बोल सकते हैं। इतना कभी कभी रास्ते पे जा रहा है तो लड़कों में सताते रहता है, लेकिन बच्चों में, लेकिन थोड़ी लोगों को फीलिंग रहता है, लेकिन मुझे कभी भी इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ था। एक दो बार हुआ था लेकिन मैं मैनेज कर लिया। लेकिन मैं थोड़ी दिनों के बाद यहाँ रहने के बाद मैंने सीख लिया कैसे रहना है गोरों के साथ। मुझे एज सच अभी तक ऐसा कोई रेसिज्म का नहीं हुआ है, बट मेरे दोस्तों के साथ एक आध बार हुआ है। कभी कभार आमना सामना तो हो ही जाता है। रेसिज्म का तो जब हर रोज सड़क पे बाहर निकलते हो तब छोटे मोटे किस्से तो होते रहते हैं, लेकिन एक किस्सा मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा। जबकि मेरे को 4-5 गोरों ने पकड़ा था और मेरे से मेरे सारे कार्ड्स वगैरह छीन लिए थे। सबको एक ही लगती है कि बाहर से लोग आके उसके ऊपर डिपेंड हो रहे हैं, मगर हम सबको मालूम है कि हम इतने पे करके यहाँ पे पढ़ रहे हैं। जस्ट बेहतर है कि उन लोगों को अवॉइड करके आगे निकल जाओ, अपने पढ़ाई करो, अपना जॉब्स कर लो, बस वही है। जब हम कर या कुछ ढूंढ रहे हैं जॉब्स या उस तरह कर लो कि आप जहाँ पे सेफ रह सकते हैं उसी पे करो, मगर ऐसे कभी भी नहीं हो सकते कि एक बार भी नहीं फेस कर सकते हैं ऐसा, क्योंकि हम बसेस पे चलते हैं तो हमारे साथ ऐसे लोग भी आ सकते हैं तो वो लोग हमको थोड़ा परेशान कर देते हैं, मगर फिर भी जस्ट इग्नोर करना चाहिए और कुछ नहीं कर सकते हम। छात्रों के जवाबों से कोई सुखद एहसास तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ 21वीं शताब्दी में भी एक विकसित देश में कुछ इस तरह की मानसिकता के भी लोग रहते हैं, इसका तो एहसास हो ही गया। खैर, रंग भेद तो एक छोटा सा भाग है इस डॉक्यूमेंट्री का, जो साइड डॉक्यूमेंट्री को अपने उद्देश्य से दूर ले जाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए हम वापस कुछ मुख्य मुद्दों पर छात्रों के विचार चाहेंगे। निश्चित तौर पर जब एक छात्र यूके में पढ़ाई पर 10 से 15 लाख रुपए खर्च कर रहा है तो कैरियर के उद्देश्य और खर्च को ध्यान में रखते हुए यूके में जॉब करना चाहेगा या फिर इंडिया में वापस लौटकर ज्यादा सैलरी चाहेगा। जब मैंने छात्रों से पूछा कि यूके में वर्क परमिट यूके की एजुकेशन के बाद मिलना कितना आसान है या कठिन, तो जवाब ज्यादा संतोषजनक तो नहीं मिले। जहां तक मुझे मालूम है कंप्यूटिंग में एमएससी किए हुए लोगों को मैं
किसी को यहाँ पे जॉब्स पे जाते हुए नहीं देखा था, इन द सेंस लाइक वर्क परमिट में या उस तरह का. टिल नाउ द वर्क परमिट, गेटिंग वर्क परमिट स्टडी फ्रॉम योर स्टडी, आई नेवर सीन पीपल ओके गॉट दैट वन डायरेक्टली, बट आई हैव सीन फ्यू ऑफ देम हु गॉट वर्क परमिट. वर्क परमिट इधर तो अभी कुछ गारंटी नहीं है, कुछ बोलते इधर बहुत सेमिनार्स अटेंड किया हूँ मैं जॉब्स के लिए, हाँ वो बोलते हैं वी आर नॉट श्योर अबाउट वर्क परमिट्स, वो बिकॉज यू आर फ्रॉम अदर कंट्रीज, इट विल बी ओनली गारंटेड फॉर द दिस कंट्री सिटीजन्स ओनली. वर्क परमिट लेना थोड़ा मुश्किल ही लगता है क्योंकि इंडियंस आर मच मोर कॉम्पिटेंट देन ब्रिटिशर्स. वर्क परमिट का प्रॉब्लम रहता है यहाँ पे, दैट्स वाई अभी थोड़ा सा, बट देन इट ऑल डिपेंड्स अपॉन इकोनॉमी. इकोनॉमी जैसे इम्प्रूव होगा उस हिसाब से कंपनीज आर ओपनिंग अप, एंड देन eventually what companies also see that international students ka jo quality hai that they can't just compare with the local market, so they are changing, but itna abhi it all depends upon government policies. Jaise abhi IT ke liye they have completely stopped giving work permit to other nationalities. Agar hum jobs ke liye apply bhi karte hain to hum logon ke paas bahut kam इंटरव्यू कॉल्स आते हैं क्योंकि उन लोगों को ब्रिटिश नेशनलिटी के स्टूडेंट्स ही ज़्यादा वो लोग प्रेफर करते हैं. उसके बाद सेकंड प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों के पास वर्क परमिट नहीं होता है. अगर हम लोग वर्क परमिट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं बिकॉज वो सिर्फ एम्प्लॉयर्स ही अप्लाई कर सकते हैं. एम्प्लॉयर्स बोलते हैं कि तुम लोग वर्क परमिट लेकर आओ, स्टूडेंट्स को बोला जाता है कि वर्क परमिट लेकर आओ, पर स्टूडेंट्स वर्क परमिट कहाँ से लेकर आएंगे क्योंकि वो एम्प्लॉयर ही अप्लाई कर सकते हैं. तो इट्स अ चिकन एंड एग क्वेश्चन. यहाँ पे वो जॉब के हिसाब से यूके में मैं कह सकता हूँ कि ये बहुत मुश्किल है, नॉट बिकॉज वी कॉन्ट कम्पीट विद दम, बट बिकॉज द इमिग्रेशन पॉलिसी यहाँ पे ऐसे है कि वर्क परमिट मिलने का बहुत मुश्किल होता है. बेसिकली आई एम ट्राइंग टू फाइंड अ जॉब हियर, बट इट्स very difficult and it's unlikely that I'll find a good. There are few legal hassles from the company's point of view, because what they have to do is they have to make sure by the EU laws that they don't find anyone as caliber as the international student to fill this job, right? So that's the hassle on their part. And yeah, you have difficulties in getting a job. इंडिया में जॉब सीन ऑब्वियसली यहाँ से तो ज्यादा अच्छा है. अगर कहा जाए कि ज्यादातर इम्प्लॉयर ऐसे व्यक्ति को अपॉइंट करने में हिचकिचाते हैं जिसे वर्क परमिट चाहिए, इस व्यवधान को दूर करने के लिए यूके गवर्नमेंट ने एक स्कीम चलाई है जिसके तहत जो विदेशी छात्र केवल साइंस और इंजीनियरिंग की डिग्री निश्चित तौर पर कंप्यूटर की नहीं यूके के किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से करेंगे, उनको कोर्स पूरा करने के बाद एक साल का वर्क परमिट दिया जाएगा, मगर एक साल बाद इम्प्लॉयर को ही वर्क परमिट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा. जब यूके में जॉब मिलने का चांस कम है तो निश्चित तौर पर छात्र इंडिया में वापस जाना चाहेंगे, मगर इंडिया में वापस जाकर 10 से 15 लाख रुपए की रिकवरी कम समय में कर पाना बहुत मुश्किल है. इसलिए कुछ भारतीय छात्र मैंने ऐसे भी देखे हैं जिन्होंने कि कैमरे के सामने बोलने से इनकार कर दिया और एक साल का मास्टर डिग्री का कोर्स दो या तीन साल में पूरा करते हैं, क्योंकि कोर्स को एक्सटेंड करने पर उनका स्टूडेंट वीजा भी एक्सटेंड हो जाता है जिससे कि पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं और जो पढ़ाई पर पैसा खर्च किया है उसे कमाकर पूरा करते हैं. मगर दो तीन साल में इन छात्रों का पार्ट टाइम जॉब करके करियर लगभग ब्लॉक सा हो जाता है, क्योंकि वक्त की बर्बादी को अतीत मानकर भविष्य में नहीं बदला जा सकता. कुछ छात्र इस बात को समझते हैं और इंडिया वापस चले जाते हैं. जब छात्रों से मैंने पूछा क्या इंडिया में वापस जाकर सैलरी ज्यादा मिलेगी, यदि हाँ तो क्यों? Yes, probably. Course I am doing, there is in microelectronics basically. Whether I do in India or here, it matters same. It doesn't carry much. But I need some international exposure, that's why. आदमी जिसने इंडिया में मास्टर्स कर रखा है एक ऐसी यूनिवर्सिटी से, कोई एवरेज यूनिवर्सिटी से, उससे ज़्यादा मेरे को पे होगा, क्योंकि यहाँ की मास्टर्स की वैल्यू इंडिया में अभी भी बहुत ज़्यादा मानी जाती है. मैं मास्टर्स यहाँ ख़त्म करने के बाद इंडिया गए तो अच्छा पे मिलने के चांसेस है, लेकिन क्यों बोले तो मैं भी यहाँ का मैनेजमेंट जो पढ़ाई में जो तरीका रहते हैं इंडिया से कंपेयर करें तो एजुकेशन सिस्टम से यहाँ बहुत लोगों को मालूम है, इसलिए अच्छा बोल के तो इसलिए मुझे पे अच्छा मिलने के चांसेस है, बिकॉज दे विल एक्सपेक्ट मी एज ए वर्थी कैंडिडेट. आई डोंट रियली थिंक सो, मेनली बिकॉज इफ अ पर्सन इन इंडिया हैज गॉट इक्विवेलेंट एजुकेशन एज आई एम, द पे लेवल वुड बी द सेम, बट द ओनली एडवांटेज आई माइट गेट दैट आई माइट बी गिवन अ preference before him. कि foreign degree का charm अभी भी इंडिया में है, कि आदमी यूके से पढ़ के आया तो उसकी जो बुक्कत है, उसकी जो face value है,
वो एक इंडियन डिग्री से ऑब्वियसली ज्यादा है. Why are people wanting to go out? Is it just for money? No, it's for other reasons. Mainly recognition, talent orientation. जो फॉरेन एजुकेशन जिनके पास होती है उनको पे तो ज़्यादा होता है. अब रीज़न मुझे ज़्यादा अच्छे से नहीं पता. आई थिंक इट्स मोर ऑफ अ साइकोलॉजिकल रीज़न. निश्चित तौर पर इसे यूके एजुकेशन का फ़ायदा ही माना जाएगा. मेरे पास बहुत से सवाल है पूछने के लिए, लेकिन मैंने सोचा कि ये भारतीय छात्र जो कि यूके के विभिन्न विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे हैं, इसलिए शायद ये छात्र इंडिया में एजुकेशन सुधारने के बारे में कुछ अपनी राय दे सकें, क्योंकि इन्होंने दोनों ही एजुकेशन सिस्टम को देखा है. If you go and ask anyone in India why you want to do particular course, he doesn't have very clear picture. That's my belief. Like people just flow, right? In 96-97 there was a flow of MBAs, I remember. Yeah, and everybody wants to do engineering. Why? What's your aim in life? What's your goal? Don't know. You need to. They might not. Like the students might not find the types of courses, you know, the different types of courses they offer here is not the same in India. We have to invest huge amount in developing the infrastructure and the education facilities and minimum needs which requires for a school, college or university. India mein mere khayal se industry ka interaction bahut kam hai education mein. इंडस्ट्री और एजुकेशन जब भी साथ में जाते हैं तो तब डेफिनेटली बिकॉज द बेसिक नीड ऑफ एजुकेशन इज टू क्रिएट द थिंग्स फॉर नीड. व्हाट काइंड ऑफ रिसर्च फैसिलिटीज डू यू प्रोवाइड टू द स्टूडेंट्स? व्हाट काइंड ऑफ इंडस्ट्री एक्सपोजर डू यू प्रोवाइड टू द स्टूडेंट्स? हाउ डू यू ब्रिज द गैप बिटवीन थियरी एंड प्रैक्टिस? क्योंकि थियरी में जो सीखते हैं and when you go into the in actual industry there is a big gap, so you have to bridge it. Thoda bahut practical view bhi liya jaye. More seminars, more conferences. Apne yahan pe analytical skills kafi acche hain, mathematical skills kafi acche hain, aur jaise jo engineering college se maine kiya tha that really had very good professors as well, but problem aisa hai ki wahan par फंडिंग का प्रॉब्लम है. यू हैव टू हैव अ गुड रिसर्च फैसिलिटीज एंड स्टूडेंट के लिए एक्सपोजर्स या फिर पेपर प्रेजेंटेशन कॉम्पिटिशन्स पकड़ लो. सो एनी सच काइंड ऑफ प्रैक्टिकल थिंग्स विच गिव यू एक्सपोजर एट अ ग्लोबल लेवल इज रियली इंपॉर्टेंट इन दिस काइंड ऑफ सिनारियो. जो यूनिवर्सिटी सिस्टम है वो सेमेस्टर सिस्टम कर दिया जाए तो मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि स्टूडेंट पूरा साल पढ़ने का सोचेगा, यहाँ की वो पूरा साल घूमने फिरने के अलावा सिर्फ एक साल एक या दो महीने पढ़ के अपने इम्तिहान पास करने का. इंडिया में एजुकेशन पैटर्न और इधर एजुकेशन पैटर्न एक ही डिफरेंस रहता है. इंडिया में जो पैटर्न होता है वो साल तीन साल चार साल वही चलता है, इधर तो वही अपडेट होता है. एजुकेशन क्वालिटी इन इंडिया टिल बैचलर्स इज फैंटास्टिक, देयर्स लाइक नो कंप्लेंट्स अबाउट इट. इंडियन एजुकेशन सिस्टम में एक तो रिसर्च और क्रिटिकल इवैल्यूएशन का जो क्राइटेरिया है ये बिल्कुल नहीं है, ये उनको थोड़ा बढ़ाना चाहिए. इंडियन एजुकेशन सिस्टम पे ज़्यादा असाइनमेंट्स रिसर्च ओरिएंटेड और ये शुरू कर लेना अच्छा है, लेकिन ये प्रॉब्लम है इंडिया में ये शुरू करने के लिए. ऑलरेडी इक्विपमेंट इतना नया है, फैसिलिटीज़ जो लाइब्रेरी या बुक्स का इंटरनेट का वो फैसिलिटीज़ नए है, तो पहले वो एंकरेज करे तो स्टूडेंट्स को एंकरेज कर सकते हैं कि जैसे ओन रिसर्च करने के लिए और असाइनमेंट्स करने के लिए. और एडमिशन पैटर्न या वहाँ तो बहुत लोग रहते हैं और इसलिए कोर्सेस का जो डिवीजन है वो नहीं है, इसलिए मेरे ख्याल से वो प्रॉब्लम हो सकता है. जैसे कंप्यूटिंग पे यहाँ जो सिर्फ मास्टर्स पे ही चार या पांच डिफरेंट कोर्सेज रहते हैं, लेकिन इंडिया पे जो है सिर्फ कंप्यूटिंग का एक ही कोर्स रहते हैं, तो वो भी फर्क हो सकता है. जो इंफ्रास्ट्रक्चर बच्चों को मिलता है वही अगर इंफ्रास्ट्रक्चर और वही उस हिसाब से अगर उनको मिलता हमारे यहाँ मिलेगा तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम विल बी लाइक वे अहेड ऑफ व्हाट वी आर गेटिंग हियर इन यूके एंड यूएस. मैं कह सकता हूँ कि जो भारतीय छात्र यूके में पढ़ने के लिए भारत से प्रतिवर्ष प्रतिभा पलायन के साथ साथ अरबों रुपए की भारतीय मुद्रा का भी पलायन करते हैं, क्या भारत सरकार ऐसा रोकने के लिए कोई सक्षम कदम नहीं उठा सकती जिससे कि प्रतिभा पलायन के साथ साथ भारतीय मुद्रा का भी पलायन रोका जा सके? छात्रों से अगला सवाल पूछा कि क्या आप समझते हैं कि जितना पैसा आपने खर्च किया है उसके हिसाब से आपको रिटर्न मिला है? साथ ही मैंने ये भी जानना चाहा कि आगे आने वाले भारतीय छात्रों के लिए क्या सुझाव देना चाहेंगे, जैसे कि कौन सा विश्वविद्यालय या कोर्स अच्छा है, क्या कंसल्टेंट्स के जरिए आना चाहिए कि नहीं,
उम्मीद है कि जो इंडियन स्टूडेंट्स यूके में स्टडी के लिए जाने की तैयारी में हैं या भविष्य में कभी यूके में स्टडी के लिए जाने की कोशिश करेंगे, ये सुझाव महत्वपूर्ण होंगे। बेसिकली रिटर्न लेना हर किसी आदमी के ऊपर रहता है। अभी रिटर्न ऐसा भी नहीं कर सकते कि हमने इन्वेस्ट किया, बिकॉज दिस इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, दिस वी कैन नॉट गेट इन आवर लाइफ इन एनी टाइम। इतनी अच्छी ये नहीं कहूंगा कि आप आइए और पढ़िए, लेकिन अगर आ सकते हो तो एक बार आ जाओ। मैं ये नहीं कहूंगा कि आइए और बहुत ज्यादा ही अच्छी है। फिर से एक बार वही प्रश्न आ जाता है कि हम लोग इंडियन स्टूडेंट्स यहाँ पर आते तो हैं, एक साल में कोर्स भी कंप्लीट हो जाता है, पर उसके बाद जॉब्स कहाँ पर हैं? हम लोगों को इंडिया में बताया जाता है कि बहुत जॉब्स हैं, पर सच्चाई शायद यही है कि बहुत कम कोर्सेज ऐसे हैं, बहुत कम मास्टर्स प्रोग्राम्स ऐसे हैं जिसको करने के बाद कोई जॉब्स हम लोग अच्छी मिल सकती है। तो जहाँ तक स्टूडेंट्स को यहाँ पर आने का सवाल है, वो लोग आ सकते हैं, पर मेरे ख्याल से उन लोगों को वही कोर्सेज चूज करने चाहिए जो कि जिनके लिए यहाँ पर जॉब्स वैकेंसीज हैं और जिनके लिए यहाँ पर कुछ स्कोप है आगे वो कोर्सेज कंप्लीट करने के बाद। जैसे कि एमबीए करने के बाद यहाँ पर स्कोप बहुत कम है, बिकॉज दीज पीपल प्रेफर टू टेक ब्रिटिश स्टूडेंट्स मोर देन स्पेशली इन मार्केटिंग फील्ड। इन सब चीज़ों को करने के लिए आपको थोड़ा बहुत यूनिवर्सिटीज के बारे में रिसर्च करना पड़ेगा कि यूनिवर्सिटी में कोर्स कैसा है और यूनिवर्सिटीज को आपको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा कौन सी यूनिवर्सिटीज अच्छे हैं क्या है। और इंडिया एक अच्छी क्वालिटी के लड़के प्रोड्यूस करते हैं हमेशा। तो आपका ये कहना है कि फैसिलिटीज का जहाँ तक सवाल है, सिर्फ तो फैसिलिटी यहाँ पर अच्छी है। अगर आप इंडिया में भी 7-8 लाख रुपया इन्वेस्ट करने को तैयार हैं तो आप वो फैसिलिटी ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको थ्रू कंपटीशन जाना पड़ेगा। स्टूडेंट्स हु आर कमिंग हियर दे शुड आई मीन मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स कम विदाउट अ स्कॉलरशिप, सो दे द अवेयरनेस दैट वी हैव अबाउट यूएस स्कॉलरशिप्स इज मच मोर देन अबाउट यूके स्कॉलरशिप्स। जाएं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अपना थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहिए, जो कि मैं थोड़ा सा लैक कर गया, बट थोड़ा सा अपना रिसर्च करना, थोड़ा सा इसके बारे में अपने आप थोड़ा सा लोगों से पूछना या जो स्टूडेंट पहले वहाँ गए हुए हैं उनके ईमेल एड्रेसेस लेके उनसे पूछना कि भाई यूनिवर्सिटी कैसी है। मेरे व्यू में खुद अप्लाई करना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है वो ये है कि कंसल्टेंट लोग थोड़े बायस्ड है कि जिन यूनिवर्सिटीज़ के वो कंसल्टेंट्स हैं उसमें वो ज़्यादा प्रमोट करते हैं स्टूडेंट्स को जाने के लिए, तो बाकी जो दूसरी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है उसका हमें ज़्यादा कुछ पता नहीं चलता है। तो मेरी पर्सनल राय ये है कि खुद का रिसर्च या आने से पहले करना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी यूनिवर्सिटी ज़्यादा अच्छी है और कहाँ पे प्रोस्पेक्ट ज़्यादा है। इंडिया में जो एजुकेशन का सिचुएशन है आजकल, लोग ये समझते हैं कि कोई भी यूनिवर्सिटी अच्छी होती है बाहर में, इसलिए और मेन है यूके की डिग्री। यूके में आप किसी भी यूनिवर्सिटी में डिग्री ले रहे हैं लोग समझते हैं ये अच्छी होगी, इसलिए लोग ज़्यादा आ रहे हैं। यहाँ आने के बाद आपको एक्चुअली पता चलेगा कि हाँ क्या सिचुएशन है। इट डिपेंड्स ऑन व्हाट दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इन द एक्सपीरियंस। यहाँ पे वो करियर बनाने की या बहुत मुश्किल पैसा इकट्ठा करके यहाँ पे आ रहे हैं सोच के कि यहाँ पे जॉब मिलेगा, ये बहुत मुश्किल है अनलेस यू आर द बेस्ट। एक्चुअली यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा है, मगर ये यूनिवर्सिटी में थोड़ा बहुत कुछ डिपार्टमेंट्स अच्छा है, कुछ डिपार्टमेंट्स थोड़ा बहुत मेरे को बोल नहीं सकता हूँ। बोलना चाहता हूँ मैं, जो स्टूडेंट्स इधर आ रहे इंडिया से वो पहले इधर दो तरह के यूनिवर्सिटी रहते, एक हाई क्वालिटी यूनिवर्सिटीज रहते और सेकेंड क्वालिटी भी यूनिवर्सिटी रहते। तो स्टूडेंट्स जो आते हैं इंडिया से वो सोचते इधर आते क्या हम इधर जाके थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत कमाई करेंगे और अच्छा पैसा भी मिलेंगे सोच के आते हैं, मगर इधर आने के बाद कुछ यूनिवर्सिटीज में क्या सोचते वो होते, कुछ यूनिवर्सिटीज में नहीं होते। एंड आई एडवाइज नॉट टू टेक अ बैंक लोन एंड कम हियर। पॉसिबिलिटी को भी हमको प्रैक्टिकल देखना पड़ता है, तो इस हिसाब से देखेंगे तो जॉब मिलना यहाँ पे मुश्किल है, बट इफ यू आर लुकिंग फॉर इंटरनेशनल एक्सपोजर देन इट्स वर्थ फॉर यू टू कम हियर। मैं तो सिर्फ इतना ही बोल सकती हूँ कि अगर यहाँ पर आना भी है तो पहले यहाँ पर आने से पहले बहुत अच्छे से होमवर्क करो, घर पे सारी यूनिवर्सिटीज देखो, कहाँ से तुम लोगों को स्कॉलरशिप मिल सकता है। अगर स्कॉलरशिप मिल जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर यहाँ पर आकर पैसा खर्च करना है, अगर बहुत ज़्यादा रिच फैमिली है एंड पेरेंट्स आर वेरी रिच एंड दे कैन अफोर्ड योर स्टडीज,
इट्स गुड बट इट्स द थिंग बट द थिंग इज अगर सिर्फ तुम अपना कैरियर बनाने के लिए यहाँ पर आ रहे हो और सोच रहे हो कि यहाँ पर आके बहुत अच्छा जॉब मिलने वाला है या बहुत अच्छा सेटलमेंट होने वाला है, तो जहाँ तक मेरे एक्सपीरियंसेस हैं यहाँ पर इतना ज़्यादा आसान नहीं है कुछ भी। और एक साल के बाद इतना पैसा खर्च करने के बाद वापस इंडिया जाना और फिर ये सोचना कि वहाँ पर हम लोगों को बहुत अच्छी सैलरी मिलेगी, बहुत बहुत बड़ी गलत फहमी है लोगों की। जैसे कि इंडिया में सभी विश्वविद्यालय संस्थानों को IIT या IIM के बराबर नहीं नाप सकते, उसी तरह UK में भी प्रत्येक विश्वविद्यालय को कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड की तरह नहीं समझ सकते, क्योंकि काफी विश्वविद्यालयों का या उनके कोर्सेज का दर्जा निम्न स्तर का होता है। मेरा आखिरी सवाल था कि क्या UK में सेटल होना चाहेंगे, ज्यादा छात्रों का जवाब था नहीं। मुझे कुछ फैमिली कमिटमेंट्स है इसलिए मैं अभी अगले हफ्ते इंडिया वापस जा रहा हूँ। I wouldn't want to settle in this country because I feel that it's better to settle in India because it's your own country. But sometimes I do feel that maybe because I studied here and I like it in here, I could as well settle here. So it just depends. Whatever you feel like doing at that point. If you get a good job here, a good prospect, maybe I'll work here for some time. And then go back. No, I'm not planning to settle in this country. I'll stay here for, if I get a job after my course, I'll stay here for 2 years at the most, not more than that. बस थोड़े दिन देखूंगी, 2-3 महीने यहाँ पर रहकर ट्राई करना चाहती हूँ, क्योंकि अगर 2 साल भी 3 साल भी यहाँ पर जॉब कर लिया तो एटलीस्ट मैंने जितना यहाँ पर 15,000-16,000 pounds एक साल में खर्च किया है, एटलीस्ट आई वॉन्ट टू रिकवर इट फ्रॉम दिस कंट्री बिफोर गोइंग बैक टू इंडिया। लेकिन आई एम नॉट श्योर, it depends. If I get good opportunities back in India, I'll go back to India. If I get good opportunities here or in any other country, I'll go back to that country, whichever country gives me a better opportunity. Yeah, this country ye bahut acha country hai, bahut rules aur regulations bahut acha hai, pollution nahi hai, everything according rules jata hai, corruption nahi hai, kuch bhi nahi hai, thoda bahut acha hi chalta hai, magar India se wo India hai bas. Zyada kuch nahi kehna chahenge, bas यहाँ पर आके एक चीज पता चलती है, भारत सबसे अच्छा है। मैं बस एक बात चाहती हूँ, कहीं भी जाए, जहाँ जिस तरह हमको इंडिया में वो सुकून मिलती है कभी नहीं मिलता बाहर, तो वो पढ़ने के लिए है, रहने के लिए है, ओके बाहर चलते हैं, मगर दिल तो बोलता है कि वापस जाओ, कभी ना कभी वापस जाना ही है।